हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, देखिए मैं तैयार हो गई हूँ और मुझे जाना है अपनी जिठानी, जो हमारी जिठानी के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, मैंने कई बार आपको दिखाया है, बताया भी है, उनके यहाँ लेके भी गई हूँ आपको। तो यानी कि मेरे जो ताया ससुर हैं उनके लड़के की शादी है आज, छोटे देवर की शादी है, तो आज उसी का एक फंक्शन है, तो उसी में मैं जा रही हूँ। तो अभी फ़िलहाल तो मैंने सूट वेयर कर रखा है, क्योंकि जो फंक्शन होना है, जो चाकी काढ़ी का फंक्शन होना है, वो शाम को है। तो अभी मैं जा रही हूँ सूट पहन के, और फिर साड़ी वहाँ पे मैं बाद में वेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, देखिए मेरे घर का सारा काम हो चुका है, मैंने सुबह वर्क कर लिया था सारा, और मेरे बच्चे स्कूल चले गए हैं, और मैं इस समय घर पे अकेली हूँ। मेरे हस्बैंड जी किसी काम से गए हैं, बस वो आने ही वाले हैं। और ये देखिए, मिली है हमारे कान्हा जी से। ये देखिए, ये भी तैयार होके बैठे हुए हैं। और फिलहाल अब मैं चलती हूँ, बस हस्बैंड जी का वेट हो रहा है, फटाफट वो आ जाए, उसके बाद फिर हम लोग निकलते हैं। और आज जो भी फंक्शन होगा वो आप लोग भी देखेंगे, आप लोगों को भी दिखाएंगे। तो मिलते हैं अब अपनी जिठानी के यहाँ। तो फ्रेंड्स, आ गए हैं देखिए अपनी जिठानी जी के यहाँ, जहाँ पर शादी है। और देखिए हमारी दीदी जी व्यवस्था में लगी हुई है। ये देखिए हमारी दीदी है, ये ननद है बड़ी, और बाकी लोग अभी अंदर बैठे हुए हैं। यहाँ रूम में थोड़ा सा अंधेरा है, थोड़ा कम दिख रहा है, अभी बाद में आपको दिखाते हैं, अभी रूम में अंधेरा। तो फ्रेंड्स, देखिए रेडी हो गए हैं, साड़ी मैंने पहन ली है, और आज है चाकी काढ़ी, तो आज रेड कलर सब लोगों ने पहना है, तो मैंने भी रेड साड़ी आज पहनी है। और अब तो फंक्शन चाकी काढ़ी का शुरू होने वाला है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर सभी लोग आ चुके हैं, सारी लेडीज आ चुकी हैं, और बस फंक्शन स्टार्ट होने वाला है। तो आप लोग देखिए कि हमारे यहाँ कैसे ये चाकी काढ़ी का फंक्शन होता है। तो अभी स्टार्ट होने वाला है, थोड़ी देर में सब लोग व्यवस्था में लगे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, सारी तैयारियां हो चुकी हैं, और ये देखिए नाम आंटी जी सारी तैयारियां कर दी हैं, और अब बस हम लोगों को फंक्शन स्टार्ट करना है। तो ये स्टार्ट यहीं से होगा, और सबसे पहले हमारे यहाँ फंक्शन में सबसे पहले यहीं से छोड़ते हैं। तो इसमें हम लोग पहले परिवार के लोग हैं, तो परिवार की जो बहुत होती हैं वही बछोटी हैं। तो हमारी जिठानी और मैं दोनों लोग, जो रानी जिठानी, दोनों लोगों ने शुरुआत की, और उसके बाद धीरे धीरे करके 5 औरतें 7 औरतें ऐसे करके सब लोग करेंगी। तो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ शादी के पहले फंक्शन की शुरुआत ऐसे ही होती है, और बाकी सभी लोगों के यहाँ अपनी अपनी अलग अलग रस्में होती हैं, रीति रिवाज होते हैं। तो हमारे यहाँ का यही रिवाज है कि जब भी शादी का पहला फंक्शन होता है, तो पहला फंक्शन शादी शादी का होता है, फिर हल्दी होती है, मेहंदी होती है, फिर बारात बंदा, तो ऐसे ही इसी प्रकार से होता है। और देखिए बारी बारी से सब लोग अभी गेहूँ को छोड़ेंगे, और बाकी का आगे कार्यक्रम होता रहेगा। तो देखिए हमारी ननद हैं दोनों, बड़ी मैं से दो दो लोग करते हैं, उसके बाद फिर छठिया की पूजा होती है, और जो मौसम होता है उसकी पूजा होती है, और उसमें दाल वगैरह डली जाती है। तो ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ होती हैं फंक्शन में, और काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी लोग आए हुए पूजा हो रही है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे चकिया की पूजा होने के बाद फिर हम लोग जाएंगे मिट्टी लेने के लिए। तो ये देखिए हम लोग आ गए हैं मिट्टी लेने के लिए, और ये जो मिट्टी है हम लोग ला के रख लेते हैं। पहले तो ये तालाब से लाई जाती थी, लेकिन अब यहाँ पे तालाब वगैरह तो नहीं होते हैं शहरों में, तो इस वजह से हम लोग मिट्टी पहले से लेके रख लेते हैं, और फिर वही मिट्टी लाई जाती है। तो उसी से चूल्हे वगैरह बनते हैं, जो मेन पूजा के लिए होता है। तो अब देखिए अब भगवान का आशीर्वाद लेके, यही दूल्हे राजा हैं, तो यही हमारे देवर जी हैं, जो अभी आपने देखा, तो इन्हीं की शादी है। चलो चलो, कह रहे आगे जाना है वो।
तो मंदिर से आने के बाद ये देखिए यहाँ पर चढ़ रहा है दूल्हे को तेल, और कन्याएं तेल लगा रही हैं, तेल चढ़ा रही हैं। तो सबसे पहले कन्याएं ही लगाती हैं, तो 5 कन्या पहले तेल चढ़ाएंगी और फिर देवर जी उनको दक्षिणा देंगे जो भी देना है, और उसके बाद फिर जो लेडीज़ होती हैं सुहागन औरतें होती हैं वो फिर तेल चढ़ाएंगी। तो इस तरह से फंक्शन शुरू होता है। और हल्दी भी आज थोड़ी सी लग जाएगी, तो आज से उपटन लगना शुरू हो जाएगा। तो पहले के ज़माने में उपटन वगैरह ही होते थे लगाने के लिए शादी में, तो लेकिन अब तो फेशियल वगैरह का और पार्लर का फंक्शन हो गया, लेकिन रस्म तो अभी होती ही है फिलहाल। तो इस तरह से कन्याओं के तेल चढ़ाने के बाद फिर लेडीज़ वगैरह भी लगा चुकी हैं, और देखिए दीदी मेघ दे रही हैं नाउन को, तो लेडीज़ जो होती हैं वो नाउन को मेघ वगैरह भी देती हैं दूल्हे के ऊपर से वार के, और उसके बाद फिर नाश्ता पानी होता है। तो ये देखिए नाश्ता वगैरह लग गया है, नाश्ता होने जा रहा है, तो सब लोग अब चाय नाश्ता करेंगे। और ये देखिए देवर जी को अब उपटन वगैरह भी लगना शुरू हो गया है, तो अभी शर्मा रहे थे इसलिए ज़्यादा उनकी वीडियो नहीं बनाई। तो फ्रेंड्स इस तरह से काफ़ी अच्छे से फंक्शन हुआ और काफ़ी अच्छा लगा, और कल का फंक्शन और भी अच्छा होने वाला है। तो फ्रेंड्स आप लोग हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा और हमारे ब्लॉग। तो फ्रेंड्स अब हम आ चुके हैं अपने घर, और देखिए मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए हैं, और हमारे यहाँ बच्चे सब सोने के लिए गए हैं क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। और आज का फंक्शन बहुत अच्छे से हो गया, काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी मज़ा आया। और आपने देखा कि हमारे यहाँ कौन कौन सी रस्में होती हैं, चाकी काड़ी के फंक्शन में क्या क्या होता है, आपने ये सारी चीज़ें देखी। और कुछ ऐसी मतलब जो रस्में थी जिन्हें नहीं दिखा पाए क्योंकि उसका वीडियो मुझे ही शूट करना था, और उस रस्म में हम भी थे तो इस वजह से शूट नहीं करवा पाए किसी से, और मैं भी नहीं कर पाई। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और मिलते हैं अगले व्लॉग में। कि कल है हल्दी का फंक्शन, और कल के फंक्शन की का भी वीडियो आएगा, तो आप लोग हमारे व्लॉग में बने रहिएगा और कल का वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि कल का हल्दी का फंक्शन काफ़ी अच्छे से होने वाला है। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, बाय बाय।